गुजरात में सवेरे जो मीडिया के साथ जो बातचीत हुई उसके बाद अभी तक शाम के 5 बजे तक की परिस्थिति इस प्रकार से है कि आज दिवस दरमियान 139 केस 139 जितने पॉजिटिव केसेस हमारे यहाँ निकले हैं। इसमें से टोटल अभी तक जो केसेस थे उसमें से 5 ऐसे हमारे मरीज थे कोविड 2019 के, जिनकी इलाज चल रही थी, जिनकी चिकित्सा चल रही थी और उसमें से वो उनका दुखद देहांत हुआ है। और 11 ऐसे हमारे मरीज हैं कोविड 2019 के कि जिनको चिकित्सा हो रही थी, उनकी इलाज हो रही थी और बिल्कुल ठीक होके आज वापस घर जा रहे हैं। ये जो नए पॉजिटिव केसेस आए हैं इनका जिला वाइज ब्रेकअप इस प्रकार से है, अहमदाबाद में 99, सूरत में 22, वडोदरा में 14, 14, राजकोट, भरूच, दाहोद और नर्मदा में 1-1 1-1 केस ईच। ऐसे करके कुल मिला के 139 जितने केसेस आज शाम के 5 बजे तक सवेरे से आज के दिन आए हैं। आज ये भी कहना चाहेंगे कि अभी जितने हमारे एक्टिव पेशेंट्स जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सारवार ले रहे हैं, चिकित्सा हो रही है, उनमें 1632 ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल स्टेबल हैं और 14 ऐसे लोग हैं जो क्रिटिकल हैं यानी कि वेंटिलेटर पर हैं। और अभी 24 घंटे में जो कुल हमारे टेस्ट हुए हैं 3002 जितने हुए हैं और अभी तक के कुल हमारे टेस्ट जो हुए हैं 29104 टेस्ट हुए हैं और इसमें से पॉजिटिव केसेस टोटली 1743 जितने आए हैं। और इसके बाकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे। आज खास हमें दो चीज़ आप सबसे कहनी है, एक तो कि आरोग्य सेतु ऐप हम रोज कहते हैं, इसमें बिल्कुल ये बात निश्चित तौर से कहेंगे कि संख्या में बढ़ाई हुई है, जितने हमारे नागरिक हैं, लोग हैं, इसको यूज करने में संख्या में इंक्रीज जरूर हुआ है, लेकिन हम आप सबसे अनुरोध करेंगे जब तक हमारी पूरी आबादी, पूरे सभी जन इसमें अगर शामिल न हो तो इसका पूरा पूरा फायदा जो है हम सबको नहीं मिल सकता। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है, आदेश भी है कि इस ऐप को बिल्कुल विलंब करे बगैर आप सब अपने मोबाइल्स पर डाउनलोड कर लें। इसके लिए काफ़ी हमारे तज्ञों निष्णातों ने दिल्ली की पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है। ये करने से आपके आजू बाजू इर्द गिर्द अगर कोई कोविड के पॉजिटिव केसेस या कॉन्टैक्ट के केसेस आएंगे तो तुरंत आपको एक बीप मिलेगी जिससे कि आपको एक चेतावनी मिल जाएगी, आप अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। फिर आज दूसरी एक बहुत अच्छी बात गुजरात के लिए कि दिल्ली से एक स्पेशल निष्णातों की टीम आई हुई है। पिछले 3 दिन से यहाँ गुजरात में उन्होंने मुलाकात ली है अपने फैसिलिटीज की, बीजे मेडिकल कॉलेज, पूरी मेडिसिटी कैंपस, SVP हॉस्पिटल और वैसे अहमदाबाद के हॉटस्पॉट्स वगैरह के जहाँ हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीमें, हेल्थ वर्कर्स, हमारे तबीबी शिक्षण के जो सभी हमारे प्रोफेसर्स, फैकल्टी मेंबर्स दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, और इस सब को देखे लेबॉरेटरीज की भी, हमारी जो बीजे मेडिकल की लेबॉरेटरी है, इन सब चीज़ों का उन्होंने पूरा एक रिव्यू किया, एक एक चीज़ अच्छे से उन्होंने देखा है। और कल भी ये टीम बड़ोदा, वडोदरा, उसके बाद राजपिपला, नर्मदा और फिर राजकोट, अलग अलग विस्तारों के मुलाकात में जाने वाले हैं और आज रोज शाम को दिन दरमियान उन्होंने जो जो भी कामगिरी की है उसका अहवाल, रिपोर्ट भी हम लोगों को शेयर कर रहे हैं। और इस टीम के जो मेन हेड हैं डॉक्टर नीरज धिंगरा, डायरेक्टर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नई दिल्ली से आए हैं। इसी तरह से इसके और सभ्य हैं डॉक्टर YC पोड़वाल, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली, डॉक्टर RK महाजन, सीनियर कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली और डॉक्टर अनिल कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एनेस्थीजिया, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। इन सब के साथ अभी हमारी 1 घंटे करीबन अच्छी बैठक हुई हमारे मुख्य सचिव श्री अनिल मुकीम साहब की अध्यक्षता में और हमारी पूरी टीम के मेंबर्स भी बैठे थे, हम सब थे। उन्होंने अपना जो फीडबैक दिया है उन्होंने कहा है कि गुजरात का काम एक्सेलेंट है, उत्कृष्ट है
और हम इस चीज के लिए सबका आभार भी व्यक्त करते हैं, लेकिन इसका मतलब जरा भी नहीं है कि हम लोग कैजुअल बन जाएं, क्योंकि ये लड़ाई में हमें और भी मक्कमता के साथ काम करनी है। इसमें सबकी भूमिका है, सिटीजन्स की भी भूमिका है, हेल्थ वर्कर्स, जितने भी हमारे टीम मेंबर्स ऑन द ग्राउंड है, पुलिस के कर्मी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के सभी टीम मेंबर्स जो अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं दिन रात, सबकी मेहनत इसमें हमें और भी चाहिए, क्योंकि इस लड़ाई में हमें अगर सफलता प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी ही है, इसमें हम सबको बिल्कुल मक्कमता से लड़ना है। और लास्ट बात कि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति जितना हो सके, हमें अननेसेसरी बहुत घबराने की, कोई अत्यंत चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर इसका मतलब नहीं है कि जरा भी हम कैजुअल बने। बिल्कुल हमें जो नियम है उसका निश्चित तौर से परिपालन करना है, क्योंकि फियर जो है, घबराहट है, उससे हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति घट जाती है। अच्छे से हमें खुराक लेना चाहिए और हमें जो अपने जो आहार विहार वगैरह भी है, दिनचर्या, उसे भी अच्छी तरह से करें, लॉकडाउन का नियम का पालन करें। आज दिन दरमियान हमने अपने जितने भी सिविल सर्जन्स हैं गुजरात भर के अलग अलग हॉस्पिटल्स के साथ एक पूरी विस्तृत वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, किस तरह से एक एक पेशेंट का इन्फेक्शन कंट्रोल हॉस्पिटल में कैसे करना चाहिए, सभी टीम मेंबर्स का मेंटल और जो फिजिकल उनकी भी जो कंडीशन है, कैसे इस सब का हमें देखभाल करना चाहिए, क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं, ये सब बहुत डिटेल में बारीकाई के साथ चर्चा भी की है, रिव्यू हुआ है। उनके भी जो इश्यूज थे वो सब हमने सुने हैं, उसका तुरंत ही सुझाव और उनके जो प्रश्न है उसका भी निराकरण किया है। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे यहाँ कामगिरी काफी अच्छे तौर से हो रही है। आप सबका भी इसी तरह से सहकार और पार्टिसिपेशन रहा तो भगवान की कृपा से हम इस लड़ाई में विजय प्राप्त कर पाएंगे। नमस्कार।